अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिजनेस होम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें प्लीज़। आज हम आपको बताएंगे कि टाई कैसे बनाते हैं, बच्चों की जो स्कूल टाई होती है ना उसकी। ये पहली टाई है, इसको ऐसे इधर पकड़ेंगे, फ्रंट से इधर सिलाई लगा देंगे, ये ऐसे हो जाएगी। सिलाई लगा के मैंने रखी हुई थी, ये देखिए। अब इसको सीधा कर लेंगे तो ऊपर से ये है ना टाई की जैसी नोक निकल आएगी। इसको हाथ से ऐसे मलेंगे तो ये सीधी हो जाएगी, ठीक है जी। तो फिर अब इसको ना ऐसे इधर से पकड़ेंगे और इसके अंदर अस्तर लगाएंगे और दरमियान भी सिलाई, ताकि इसको ये दोनों कॉर्नर पकड़ के इसका मोनो सेंटर में करेंगे। इधर से जहाँ से भी ये इधर इधर से पकड़ेंगे ना तो सेंटर में होकर टाई बिल्कुल सीधी आपकी सिलाई होने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। आप इसको फिर पकड़ेंगे और ये ऐसे ना सिलाई लगा देंगे, ये पीछे अस्तर रखेंगे और सिलाई लगाने के बाद ये ऐसी निकल आएगी, ठीक है। ये देख लें, बिल्कुल ऐसे खूबसूरत सी सिलाई लग गई है। अब इसको सीधा कर लें। सीधा करने के बाद आप देखेंगे कि हम चेक करेंगे वो उसका जो फ्रेम होता है ना उसमें डाल के इस्त्री वाला, कि ये बिल्कुल सीधी आ रही है कि नहीं। देखें जी, ये बिल्कुल सीधी आ गई है नाज़रीन, मोनो सीधा है। अब इसको ना हम इस्त्री करेंगे, इसे उल्टा रख के पहले उल्टी साइड पर इस्त्री करेंगे फिर सीधी साइड पर। ये उल्टी साइड पहले कर ली थी, अब सीधी कर ली है। ऊपर से ये ना इसको बिठाने के लिए कोई भी सिल्वर की या लोहे की ना कोई भी चीज़ ऊपर रखेंगे, ये बैठ जाएगी, अदरवाइज़ ये ना फूली रहेगी। तो इसको बिठाने के लिए ऊपर से ना कोई वो ठंडी चीज़ के साथ, इसको ठंडा बर्तन है ना मेटल का, उसके उसके साथ ये बैठेगी। अब इसका साइज़ चेक कर लेते हैं। साइज़ चेक करेंगे तो ये 18.5-19 इंच के करीब आएगी, ठीक है जी। तो हमने 13 इंच काटनी है, पूरी 13 इंच रख के काटेंगे और बाकी जो हिस्सा है वो हमारी नॉट बन जाएगी, और नॉट के जो ऊपर का हिस्सा है वो भी काट लें। ये ऐसे की बन जाएगी, ठीक है। अब इसको पकड़ के ये जो ख़राब हिस्सा है ना इस साइड पे हम सिलाई लगाएंगे ताकि ये अंदर आ जाए। इधर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ना 45 के एंगल से, 60 के एंगल से इसको ना वो सिलाई लगा देंगे। देखिए ये सिलाई लग गई है, ये देखिए ये सिलाई लग के ना बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको ऐसे करेंगे ना, ये जो इसको सिलाई लगानी है कि ये देखना टाई का जो ऊपर का हिस्सा कट किया ना वो बराबर हो, उधर उतने हिस्से पे सिलाई लगानी है ताकि ये इधर से गुजरे तो फूल ज़्यादा फोल्ड ना हो, ठीक है जी। बिल्कुल बराबर रख के इसको सिलाई लगानी है। इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब धागा काट दिया, ये सीधा कर लिया, ये बिल्कुल नॉट बन जाएगी। इसको इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे, ये देखें इधर सिलाई ऐसे लगानी है कि ये जो नॉट है ना बिल्कुल सेंटर में आए इसका मुंह, ताकि हमारी टाई एक साइड को नहीं जाए। ये हम सिलाई लगा देंगे और ये इसका बखिया ब्रीक करना था लेकिन ये ऐसे ही हो गया। अब दोबारा सिलाई लगाते हैं, दोबारा सिलाई लगा देंगे। ये ले जी हमारी टाई तैयार है। इसके बाद ये इसके अंदर जो वेलक्रो पट्टी डालनी होती है ना ये हमने तैयार करके रखी होती है पहले। ये देखें जी, अब हम इसको ऐसे पकड़ के कॉर्नर और ये नॉट के अंदर से गुजारेंगे और जो वेलक्रो पट्टी है उसके दरमियान में रखनी है, ठीक है जी। और ऊपर से इसको हैंड के साथ थोड़ा सा घुमाएंगे ना तो ये बिल्कुल सीधी आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेटिंग ऐसे ही करनी पड़ेगी। ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट आ गई है, ये रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें प्लीज़, और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।